पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दूर की चीजें क्लियर देख पाता है, बट कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, पास की रखी हुई ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाएगा। इसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया, डिफाइन करो मायोपिया को या हाइपरमेट्रोपिया को, काज क्या है और कैसे करेक्ट करोगे आप। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि ये नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं देख पाता है और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाता है। तो आई बॉल बिकम्स टू स्मॉलर अलोंग, उसमें क्या होता था, लार्जर हो जाता था, एलोंगेटेड हो जाता था। यहां पे आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, बहुत छोटा हो जाता है आई बॉल। फिर वही बात, आई बॉल क्या है, ये है आई बॉल, जहां पर ये लेंस है और ये आपका है क्या, आई बॉल। तो बिकम्स टू स्मॉल अलोंग इट्स एक्सेस। फिर सेकंड, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम्स टू लार्जर। फोकल लेंथ जो आई लेंस का होता है, आई लेंस का जो फोकल लेंथ होता है बहुत ही ज्यादा हो जाता है, बड़ा। दिखा कि नॉर्मल आई, अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगी तो हमें करना क्या है कि वो नॉर्मल आई यहां से लेकर के इमेज कहां पर बनाएगी, रेटिना पर बनाएगी। रेटिना पर अगर ऑब्जेक्ट बनता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये नॉर्मल आई है। जब इसका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होता है, लीस्ट पॉइंट नियर पॉइंट्स, तो ये 25 सेंटीमीटर होगा, रेटिना पर इमेज बनाएगा, नॉर्मल है आई। बट अगर नॉर्मल नहीं है, डिफेक्ट्स अगर हाइपरमेट्रोपिया है, तो इसमें क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया में इस टाइप की आई बॉल होगा, ये यहां पे ये सबसे ऊपर कॉर्निया होता है, ये पार्ट को हम रेटिना बोलते हैं और रेटिना पे ही इमेज बननी चाहिए। तो ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से जब लाइट आएगी ऐसे तो वो क्या हो जाती है, ये क्रॉस हो जाता है, मतलब रेटिना पर ना बन करके बाहर बनता है, दूर बनता है, फॉर साइटेडनेस। जब दूर बन जाता है तो इसमें जो डिफेक्ट्स हो गया, इस डिफेक्ट्स को क्या बोलोगे, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया हो। एक ही तरीका है कि यहां पे आप एक लेंस का यूज करो, उस लेंस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस आप इसको बना करके थर्ड डायग्राम तीसरी बार फिर से बनाना आईबॉल के साथ। तो जब ये लेंस आपने यूज कर लिया तो इस ये लेंस करेगा क्या, ये इमेज लेगा और इमेज ऐसे दे देगा कि ये यहां पर रेटिना पर, ये ऑब्जेक्ट जो बाहर बन रहा, दूर बन रहा है, वो रेटिना पर खींच करके लाएगा। जैसे मैंने बताया था, ये मार्कर को अगर ज्यादा बढ़ा दो तो मैं प्रॉपर नहीं पकड़ पाऊंगा, और फिर उसको ऐसे ले आओ शॉर्ट में तो ये देख लो इजीली पकड़ पा रहा हूं। सिंपल तरीका है इसमें हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट कैसे करेंगे, बाई कॉन्वेक्स लेंस। प्रेस बायोपिया में क्या पढ़ेंगे, तीसरा डिफेक्ट हमारा हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया हमने कर लिया प्रॉपर रीजन और इसके डिफिनेशंस विथ करेक्शंस। प्रेस बायोपिया में हम ये जानेंगे कि ये जब एज ज्यादा हो जाती है किसी की तो उसके सिलेरी मसल्स जो हैं वो लूज हो जाते हैं, सिलेरी मसल्स लूज हो जाते हैं। आप कहोगे कि जब एज ज्यादा हो जाती है तो हर एक पार्ट्स लूज हो जाते हैं, ये बॉडी है, ये देखना बूढ़े आदमी के जो ग्रैंडफादर या जो भी है आपके घर में एजेड है, उनका ये जो है ये प्रॉपर यहां तक आएगा तो लूज तो हो ही जाएगा। मैं अभी आंखों की बात कर रहा हूं, इसलिए ये जानना है कि आई लेंस में उसके सिलेरी मसल्स लूज हो जाता है। तो भाई सिलेरी मसल्स क्या है, अब आपको लग रहा होगा ये सिलेरी मसल्स क्या है, ये आई बॉल ऑफ द आई है, यहां पर मसल्स होती है जिस पर टंगा होता है कौन, लेंस। ये जब लेंस टंगा होगा इस तरीके से, जब ये लेंस ऐसे टंगा होगा, ये इस पर सिलेरी मसल्स लूज हो गई। अगर ये लूज हो गया मेरा हाथ तो ये ऐसे ऐसे डगमगाएगा नहीं, तो सिलेरी मसल्स लूज होने से प्रॉब्लम लेंस पर आती है। और लेंस क्या होता है, एकोमोडेटिंग पावर जो है, जो उसका देखने की कैपेसिटी है, वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाती है। इसलिए उसको वो गांधी जी वाला चश्मा, कौन सा गांधी जी, ये इस टाइप का चश्मा एक उनको यूज होता है ये। अब
ये चश्मे में खासियत यह है कि जिसमें बाई इस लेंस को बोलते हैं बाईफोकल। कौन सा? बाईफोकल। भैया बाई का मतलब होता है दोनों, कौन से? कॉनकेव, ये वाला कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दोनों लेंस जब यूज होंगे तो हम बोलेंगे क्या? बाईफोकल। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है, सर जी इन दोनों का क्यों यूज करते हैं? तो इसको जो अपर पार्ट में है उसको कॉनकेव बैठा देते हैं। कौन सा? कॉनकेव। कॉनकेव ऊपर इसलिए बैठालते हैं कि दूर की जो ऑब्जेक्ट है प्रॉपर देख सकें, और नीचे जो है इसके नीचे यूज करते हैं वो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब ये वाला। क्यों इसको यूज करते हैं? रीडिंग पर्पज के लिए। अगर कभी क्वेश्चंस कोई कुछ पूछ ले आपसे कि कॉनकेव कॉन्वेक्स को नीचे क्यों लगाते हैं, अपर पार्ट में कॉनकेव क्यों करते हैं? विजन के लिए, देखने के लिए कॉनकेव को ऊपर यूज करते हैं अपर पार्ट में, और लोअर पार्ट में इसमें रीडिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। रीडिंग वहां का थोड़ी देखोगे आप, है ना, एक किलोमीटर का, वो एजेड इंसान है पास ही का तो रीड करेगा मैक्सिमम, उससे तो वैसे ही भी डिफेक्ट्स इतना ज्यादा है कि प्रेसबायोपिया यूज हो रहा। प्रेसबायोपिया दोनों दोनों लेंस जिसमें यूज हो करेक्शंस के। तो किसी भी प्रॉपर बूढ़े आदमी को जब आप पकड़ोगे, जब आप चश्मा ये वाला देखना, तो याद करना मुझे कि टीचर ने बताया था ऊपर कॉनकेव और नीचे लोअर पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस लगता है, सर ने बताया था। तो कॉनकेव क्यों यूज करते हैं? विजन देखने के लिए, दूर को देखने के लिए। और कॉन्वेक्स क्यों यूज करते हैं नीचे? क्योंकि उसको प्रॉपर रीड कर सके, प्रॉपर दिख सके, इसलिए उसको लोअर पार्ट में कॉन्वेक्स यूज करते हैं। तो इस तरीके से तीनों डिफेक्ट्स मैंने बता दिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। तो ये तीनों को आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है, और इन तीनों से क्वेश्चंस क्या आते हैं? करेक्टिव आता है, करेक्टिव लेंस डिफिनेशंस और रीजन के साथ। और तीसरा इसमें एक और होता है एस्टिगमेटिज्म, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उस पर एक्सप्लेनेशन ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। आंखों की बात अगर जानोगे तो भाई ये जो आंख है हमारी प्रॉपर, जो प्रॉपर ऐसे ये दिखती है आईज, इसके ये प्यूपिल हो गया, ये पूरा सिस्टम नहीं दिखता है आपको, ऊपर से तो ऐसे दिखेगी, बट इसका जब आगे पीछे जाओगे ऐसे तो पूरा आई बॉल दिखता है। ये तो सिर्फ फ्रंट पार्ट आप देख पाते हो, ये ह्यूमर्स हो गए यहां पर, ये जो है ये कॉर्निया पार्ट हो गया पूरा, और इसमें स्लेरी मसल्स वगैरह, प्यूपिल का साइज आयरिस डिसाइड करता है, कम ज्यादा करता है। अगर यही मैं ज्यादा मैं फ्लैश मार दिया तो ये आईज अपने आप क्लोज हो जाएंगी, और इसमें जब अंधेरे में आई तो ये और ओपन अप हो जाएंगी। ये सारा फंक्शंस आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, अगर नहीं आता है तो देख लेना, आता है तो कोई बात नहीं है। तो ये आंखों का सिस्टम है। आंख कोई भी इंसान डोनेट भी कर सकता है अगर उसके प्रॉब्लम नहीं है दो तीन। कौन सी? एक तो एड्स ना हो कि पूरे बॉडी में वायरस फैला हो, कुछ ऐसी चीजें जो वायरस पूरे में फैल गया हो, ब्लड खराब हो चुका हो, तो ऐसी बीमारी ना हो, कोई इंसान मरता है तो आंख डोनेट कर सकता है एडल्ट इंसान। कोई ऐसे भी इंसान है डोनेट होते हैं उनके, बट मरने के 3 आर के अंदर अगर उसका सर्जरी हो जाए तो। सर्जरी कितना टाइम होता है? सर्जरी के लिए 10 से 15 मिनट लगता है, इससे ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता। डॉक्टर से आप पूछोगे तो बोलेंगे 20 मिनट्स में हम इस आईज को बाहर निकाल लेंगे, विद इन 3 आवर्स डेड। अब कल मरा हो और आज जो लोग आंख लगा लो यूज कर लो तो नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं है। आप इन्फॉर्म करोगे, वो डॉक्टर की टीम आएगी और आपका जो भी है घर का बंदा या जो भी सिस्टम है उसको आपसे परमिशन लेंगे, और 20 मिनट्स में, विद इन 20 मिनट्स सर्जरी होती है कुछ, और ऐसे निकाल के लेके चले जाएंगे और यहां पर लगा देंगे। तो 3 आवर्स के अंदर और 15 मिनट्स की सर्जरी है, 15 से 20 मिनट्स। अब आता है कलरफुल वर्ड, जो चैप्टर का नेम है, कलरफुल वर्ड किसको दिखेगा भाई? जिसकी आंखें हैं। जिसकी आंखें हैं ही नहीं तो उसके लिए तो सारा कुछ ब्लैक है, इसलिए इस चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आंख है तो दुनिया कलरफुल दिखेगी,
आंख नहीं है तो प्रॉब्लम, आप दो मिनट बंद करके देख लेना बाहर निकल करके क्या होता है। आप